Question 4. Answer the following according to the instructions given. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए. पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए. विशेषण अर्थात एडजेक्टिव्स. पूजा का विशेषण होगा पूजनीय, धर्म धार्मिक. प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए. पर्यायवाची शब्द अर्थात सिनोनिम्स. राजा, राजा का पर्यायवाची होगा भूपति नरेश. जलाशय, सर सरोवर. प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द लिखिए. अर्थात विरोधी शब्द, अंग्रेजी में कहेंगे एंटोनिम्स. निर्माण, ध्वंस. क्रोध का विरोधी शब्द होगा शांति. देहाती, शहरी. मूर्खता, बुद्धिमानी, विद्वत्ता. प्रश्न 4, भाववाचक संज्ञा बनाइए. भाववाचक का अर्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. साधु, साधुत्व. तपस्वी, तपस्या. प्रश्न 5, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक की सहायता से वाक्य बनाइए. कान का कच्चा. कान का कच्चा ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी की भी बात पर आसानी से विश्वास कर ले. इसका वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, राकेश की बातों पर क्या विश्वास करना, वह तो स्वयं कान का कच्चा है. श्री गणेश करना, किसी भी मौके का शुभ आरंभ करना को श्री गणेश करना कहते हैं. जैसे उत्सव का श्री गणेश नेताजी ने नारियल फोड़कर किया. प्रश्न 6, कोष्टक में दिए गए वाक्यों में निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए. कश्मीर में अनेक दर्शनीय पर्यटक स्थल देखने योग्य हैं. देखने योग्य और दर्शनीय, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसीलिए यह वाक्य अशुद्ध है. शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, कश्मीर में अनेक दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं. मैं कलम से लिख लूंगा, ये वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करना है. यहाँ पर प्रकार नहीं दिया गया है, तो हम इसे अपूर्ण भूतकाल में इस प्रकार कर सकते हैं, मैं कलम से लिख रहा था. और अगर पूर्ण भूतकाल में करना हो, मैं कलम से लिखा था. आप कोई भी एक कर लें. आप परिवार के साथ हमारे घर आइएगा. रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए. परिवार के साथ, सपरिवार, तो वाक्य कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आप सपरिवार हमारे घर आइएगा.